सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान फॉर यू चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके YouTube वीडियोस के लिए एक स्पेशल थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूं और दोस्तों वो भी फुल HD में। जी हां दोस्तों, आप फुल HD में इस वीडियो के जरिए थंबनेल बनाना सीख सकते हैं अपने YouTube वीडियोस के लिए। तो दोस्तों HD में थंबनेल बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों जरूरी कैसे होता है कि जितना मतलब आपकी वीडियो का बीच का कंटेंट मायने रखता है, जितना आपकी वीडियो का मटेरियल मायने रखता है, उतना ही ज्यादा थंबनेल वगैरह या टैग्स वगैरह जो लगाते हैं ये भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इसे हमारी जो वीडियो है इसे एक पॉलिश की तरह कहा जाता है कि ये हमारी वीडियो को और भी ज्यादा निखार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको फुल HD में थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन आज आई होप कि आज मैं आपको जानकारी दूँ, आप अच्छे से सीख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों अभी मैं आज जो आपको तरीका बताने वाला हूँ ना थंबनेल बनाने का HD में, तो दोस्तों वो तो कमाल ही है। देखिए आप थंबनेल कैसा बनता है। दोस्तों फुल HD में हमारा थंबनेल बनेगा, तो आप भी बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और टेक्निकल ज्ञान चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें सबसे पहले HD थंबनेल बनाने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ से हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सेल लैब। ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर पर जो एप्लीकेशन है पिक्सेल लैब, तो हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मतलब खास बात ये है कि इसमें जो भी हम थंबनेल बनाते हैं, जो भी थंबनेल हम क्रिएट करते हैं, वो बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में जो एक्सपोर्ट होते हैं। तो काफ़ी ये बढ़िया एप्लीकेशन है। मैं खुद भी इस एप्लीकेशन में जो अपने थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करता हूँ, तो इसमें काफ़ी बढ़िया जो थंबनेल हमारे डिज़ाइन होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया है, तो मैं ओपन करने वाला हूँ इसे। तो चलिए ओपन करते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें यहाँ 3 डॉट मिलते हैं, तो हमें यहाँ क्लिक करना है। और दोस्तों हमें अभी इसको साइज़ देना है, तो यहाँ इमेज साइज़ का ऑप्शन मिलता है, तो हमें यहाँ कस्टम का ऑप्शन मिलता है, तो हमें दोस्तों यहाँ यूट्यूब थंबनेल हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसे हम सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या कि इससे जो हमारा ये जो बैकग्राउंड का साइज़ है वो बिल्कुल एक थंबनेल के साइज़ के बराबर हो जाएगा। तो हमें साइज़ देकर ओके करना है। और ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, आपका जो भी मन हो, आप चाहें तो कोई भी कलर बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये बैकग्राउंड चूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने एक बैकग्राउंड है मेरे पास, तो मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ, तो वो मेरे गैलरी में है। तो गैलरी से एक्सपोर्ट करने के लिए हमें यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ 3 डॉट मिलता है, तो यहाँ क्लिक करके हमें गैलरी से एक्सपोर्ट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक की थी है डाउनलोड बैकग्राउंड। दोस्तों ये एक वाइट बैकग्राउंड है और काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगती है। ये आपको एप्लीकेशन में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप वहाँ से इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी बैकग्राउंड है सिलेक्ट हो चुकी है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें दोस्तों अभी अपना फोटो का PNG ऐड करना है। तो PNG हम कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ हमें प्लस का निशान मिलता है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ हमें एक PNG को ऐड कर देना है। दोस्तों फोटो PNG में मैंने एक क्रिएट किया था। ये देखिए दोस्तों मेरा PNG। तो दोस्तों मैंने ये PNG क्रिएट किया था, तो आप चाहो तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको PNG बनाना नहीं आता, तो मैंने दोस्तों एक तो स्पेशल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप उसे देखकर PNG बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि किस तरीके से आप PNG क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो हो सकता है कि आपका जो थंबनेल है वो अच्छा आपको अच्छी तरीके से आपको समझ ना आए कि किस तरीके से क्रिएट करना है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। तो दोस्तों आप अगर PNG बनाना चाहते हैं तो आप PicsArt से भी कटआउट कर सकते हैं, और आप बैकग्राउंड इरेजर ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ PNG को। थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो PNG अभी पेस्ट हो चुका है। तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें अपने PNG को एक आउटलाइन देनी है, जो होती है ना बाहर, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आउटलाइन देने के लिए दोस्तों हमें यहाँ नीचे 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर हमें क्लिक करना है, ये 3rd ऑप्शन पर। और दोस्तों हमें यहाँ नीचे स्क्रोल करना है, और हमें यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है, तो हमें इसे इनेबल कर देना है। ये देखिए दोस्तों,
और अभी हमें कलर चूज़ करना है। हम वाइट कलर चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं फ़िलहाल रेड कलर में चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर की आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और टिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो PNG का काम हो चुका है। अभी जो हमारा PNG का काम ख़त्म है तो अभी हमें टेक्स्ट की ओर ध्यान देना है कि हम टेक्स्ट कैसे ऐड करें और कैसे कैसे। तो दोस्तों, टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरी वीडियो है ये हाउ टू मेक HD थंबनेल, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेक HD थंबनेल ऑन मोबाइल। यहाँ दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया मेक HD। और दोस्तों हमें अभी करना क्या है, हमें अभी ये फ़ोन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों हमें नीचे आना है और हमें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो चेंज कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमें ये वाला, ये मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया फ़ॉन्ट है तो मैं ये वाला चूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है साइज़ का, तो हमें इसे थोड़ा बढ़ा देना है। ये देखिए दोस्तों, हमें इतना बड़ा कर देना है टेक्स्ट का साइज़, और हमें यहाँ टिक कर देना है। और दोस्तों, इसका जो कलर है हमें यहाँ वाइट ही रहने देना है। और हमें एक नीचे शेडो का ऑप्शन मिलता है तो हमें इस शेडो के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इससे जो हमारा टेक्स्ट है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हमें यहाँ पर इसे सेट कर देना है। इसे सेट करने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, हमें ये टेक्स्ट ऐड करना है अभी मेक HD थंबनेल। ये देखिए दोस्तों, इतना लिखकर हमें यहाँ फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। हमें ये जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर देना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं चूज़ करने वाला हूँ और फिर से शेडो को ऑन कर देना है। और फिर से जो हमें इसे थोड़ा बड़ा कर देना है गाइस, इसका साइज देखिए थोड़ा और हमें बड़ा कर देना है इसे, और हमें यहाँ टिक कर देना है। और दोस्तों, अभी हमें नीचे आना है और यहाँ हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। ये जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इससे जो बैक में इसके बैकग्राउंड बन जाती है टेक्स्ट के, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज करने वाला हूँ ये यहाँ से, ये देखिए। तो मैं ये वाला कलर रखने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ब्लू कलर को चूज़ कर लिया। और दोस्तों, अभी हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है थोड़ा सा, जिससे हमारा जो और भी अट्रैक्टिव लगे हमारा थंबनेल। तो हमें यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और दोस्तों हमें यहाँ से कलर, कोई भी कलर हमें चूज़ कर लेना है। तो मैं रेड कलर चूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, और हमें यहाँ टिक करना है। दोस्तों, अभी हमें फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ टेक्स्ट, और यहाँ से हमें थोड़ा सा वो टेक्स्ट ऐड करना है मेक HD थंबनेल ऑन मोबाइल, और हमें डन करना है। डन करने के बाद दोस्तों, फिर से वही प्रोसेस हमें दोहराना है, शेडो को ऑन कर देना है और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर देना है, वही पहले वाला हमें चूज़ कर लेना है फिर से। और फिर से जो दोस्तों, हमें जो इससे थोड़ा बड़ा कर देना है इसके साइज़ को। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा जो थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं येलो कलर चूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, और हमें यहाँ टिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और अभी जो हमारा थंबनेल है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अभी हमें इसे एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ हमें एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर का ऑप्शन मिलता है, तो हमें यहाँ क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर देना है। गाइज, ये लाइव प्रूफ आपके सामने है, हमारा जो थंबनेल अभी कम्प्लीटली रेडी है और फुल HD में जो हमारा थंबनेल है वो एक्सपोर्ट हुआ है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं फुल HD में। दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो PicsArt में थंबनेल वगैरह क्रिएट करते हैं, जिन्हें, और दोस्तों मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो PicsArt है वो सिर्फ एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है स्पेशली थंबनेल वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती है,
और इसमें दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ मैंने दिखाया कि जैसे HD में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने थंबनेल को। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप PNG को क्रिएट कर सकते हैं, तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा बता देता हूं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन में जाना है और वहां से आपको बैकग्राउंड रेजर, ये आपके सामने है एप्लीकेशन, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसे पहले से किया है इंस्टॉल, तो मैं इसे ओपन करूँगा। देखिए दोस्तों ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ लोड फोटो पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं काफ़ी आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप PNG क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों पिक्सआर्ट में भी काफ़ी सारा जो टाइम लगता है PNG क्रिएट करने में, वहाँ काफ़ी सारे हमें कट आउट करने पड़ते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका, ये बिल्कुल ही सिंपल है और आसान है और चुटकियों में जो आपका एक सेकंड में आपका जो PNG वो रेडी हो जाएगा। मैंने ये फोटो चूज किया और यहाँ मैंने डन पर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों डन में क्लिक करने के बाद यहाँ में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैनुअल में काफ़ी सारा जो हमारा टाइम है वो बताया होता है। तो हमें यहाँ ऑटो पर क्लिक करना है और दोस्तों हमें यहाँ बैकग्राउंड को हमें सेलेक्ट कर लेना है सिर्फ एक ही क्लिक में, जो आपकी सारी की सारी बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये देखिए, ये एक मैजिक की तरह है, एक जो कि एक सेकंड में जो आपका PNG है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आपका जो PNG अभी बिल्कुल तैयार है, तो आपको डन पे क्लिक करना है और ये जो PNG आपका, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों चुटकियों में जो आप PNG बना सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या आपकी किसी भी काम आई वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि आपके सामने जो हम अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, कुछ गलत ना लेकर आएँ जिससे कि आपके साथ धोखा हो कि आपने थंबनेल में कुछ बताया या आप वीडियो में कुछ बता रहे हैं। तो दोस्तों वैसा हमारा चैनल बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे एक लाइक तो ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और के भी काम आए ये वीडियो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ऐसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाई।